तुम बहुत बेइज्जती कर रही हो, हट जा हट जा। बहुत लोग देख रहे हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे को आप जानते ही हो, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो जल्दी से, रेड वाले आइकन पे क्लिक करो। और आज मैं हूँ एक टपरी पे। तो अभी मेरे को थोड़ी देर पहले मम्मा की कॉल आई थी, कहते शीरू बीमार है, तो उसको मैं बिटनरी लेके जा रही हूँ। तो वो उसको बिटनरी में लेके गए हैं, और अभी अभी देख सकते हो कि हेलो गाइज, ये है मेरा, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बीमार था तो मैं इसको आज हॉस्पिटल लेके गई थी, और वहाँ पे इसको चेक किया, इंजेक्शन लगा और इंजेक्शन लगा। ओके, तो आपने मम्मा से पूरी बात सुन ली है। अभी मैं इनको कुछ खिलाने लेके आई हूँ। मम्मा, आज आप खिला रही हो मैम? क्या खिला रही हूँ? एक सच्चाई बताने वाले, एक सच्चाई बताऊँ गाइस, हम बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए दीदी खिलाएंगे। कुछ बोल रही है, यूट्यूबर गरीब हम पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब चला के पैसा। और मम्मा कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बाबूराव का स्टाइल है। तुले देख ही सकते हो, इतनी फेमस दुकान है कि यहाँ पे रश कभी खत्म नहीं होता। और इग्नोर माय मैसी हेयर्स, क्योंकि मेरे पास इतना सुबह टाइम नहीं था कि मैं अपने बाल अच्छे से बना सकूं। भाई भाई, रश कम हुआ है, थोड़े से लोग हैं, और हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। मतलब शीरू के लिए थोड़ा सा दूध दे रहे हैं ये, बाद अभी हम उसके पास जाएंगे। मतलब ये नियर बाय में ही है शॉप, अर्की वाले इस शॉप को देख ही सकते हैं। यहाँ पे सबसे सस्ती चीजें आपको खाने के लिए मिल जाएगी, है ना अंकल जी? मेन्यू बताइए अपना थोड़ा सा। मैं पराठा बनाता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। बाकी चावल दाल कड़ी चपाती, खाना 80 रुपए में, हाफ 40 रुपए। देखा, समझ रहे हो? प्याज मिलेगा, हरी मिर्च मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा। ठीक है अंकल जी, पानी फ्री है ना आपकी तरफ से? भैंस का दूध, भैंस का दूध गाइस, भैंस का दूध घर से लाया वो। बात बढ़िया, ठीक है अंकल। कड़ी भी अपने लस्सी की बनाते हैं भैंस की घर से। गाइस जरूर आना यहाँ पे सबसे हेल्दी खाना खाने के लिए। तेज हो रहा है। मैंने अपनी प्रमोशन खुद ही कर दी है, जैसे कि आपने देखा अभी शीरू को हम थोड़ा सा फीड करेंगे। मम्मा गाइस, मेरी नई रेडी दिखाती हूँ, मैंने अभी नई नई बनाई है। यहाँ पे मेला आने वाला है, तो मैं रेडी लगाने वाली हूँ। पर देख लो मेरी रेडी पे क्या लगा है, मतलब लोग मेरा रेडी का पर्पस भी नहीं समझ रहे हैं, और मेरा बिजनेस ही चल रहे, तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। गाइस, मम्मा ने शीरू को सिला दिया है, इसको नींद आ रही थी इसलिए ये ज्यादा मैं कर रहा था। अभी ऑर्डर कर दिया है, पहले हम टिक्की खाएंगे, आफ्टर दैट हम चाय और गोलगप्पे खाएंगे। उतने पैसे भी तो होने चाहिए गोलगप्पे खाने में। ये भी इसलिए मंगवाए ताकि मैं बर्तन धो सकूं, यहाँ पे तो चले जाएंगे ना, फिर बर्तन धोने के लिए लगाएंगे। अभी मैं फिर भूल गई थी बनाना, और मैं कुछ दिखाती पहले आप लड़की पकड़ चुकाएगी मेरी क्लिप डिलीट कर। मम्मा यहाँ पे हमारी लड़ाई देखते हुए मनोरंजन के साथ एकदम, डिंपू को कोई परवाह नहीं है, एटीट्यूड में है। और यहाँ फिर से मुझे पकड़ते हो, परेशान है इतने लोगों के बीच में आने से। गाइज़, यहाँ डिंपू अब गोलगप्पे खाने आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको रेडी के बारे में बताया था। मम्मा पीछे बिजी है, बात कर रहे शीरू से, हट यार। गाइज़, हमने अभी गोलगप्पे खा लिए हैं और पेमेंट भी होगी, अब हम जा रहे हैं, बाय। गाइज, अभी मैं जा रही हूँ वॉच ठीक करवाने। वॉच का मैं बताऊँगी कि मुझे किसने दिया और कहाँ से आई है वो इतनी सुंदर वॉचेस। अभी मैं उनका साइज़ ठीक करवाने जा रही हूँ, क्योंकि वो मतलब आती नहीं है ना, हाथ में ढीली है थोड़ी सी, ऐसे निकल जाती है, सल्लू भाई वाला लगता है थोड़ा सा सीन। हाँ, तो अभी मेरे को थोड़ा सा कैश भी देना है कहीं पे, और वो वॉचेस मैं ठीक करवा दूँगी। आफ्टर दैट अभी हम घर ही जा रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी मार्केट बता देती हूँ। ये है मार्केट अर्की की, मतलब यहाँ से ओल्ड बस स्टैंड को जाते हैं, यहाँ से इधर को न्यू बस स्टैंड को जाते हैं, जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है। अभी थोड़ी मार्केट बंद चली है, पर शायद फिर तो आने वाला है, तो जल्दी ये सारी खुल भी जाएगी। अर्की की सबसे पुरानी शॉप जहाँ हमने अपनी वॉचेस ठीक करवाई, ठीक करवा के आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं मम्मा के पास। मम्मा हमारे को बुआ की शॉप छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो यू नो लड़कियों के चोंचले करवा रहे हैं। तो अभी हम उनके पास जाएंगे और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी हम पार्लर जा रहे हैं, यहाँ हम आ चुके हैं गाइस। ये हमारी बुआ की शॉप है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये तो अरे भाई, इतना इतना फोबिया किसको होता है।
चलो ये नहीं चाह रहे हैं तो हम इनको दिखाएंगे नहीं, पहले हम इनसे मिल लेते हैं। ठीक हो ओ भाई साहब, हाँ मतलब थोड़ी अपनी सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी समझ रहे हो तुम लोग। हाँ तो अब मम्मा कहाँ है हमारे? अच्छा मम्मा यहाँ बैठे हुए करवा ली सुहानी कर। ओके तो ये हमारी बुआ की शॉप है, मस्ट विजिट गाइस, अच्छा काम होता है यहाँ पे। अपना मुँह छुपा दिया इन्होंने पर ठीक ठीक है। ये यहाँ आपको मतलब ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड के बीच में मिलेगी, पर मतलब ओल्ड बस स्टैंड ही कहते हैं इस जगह को, जरूर आइएगा। पूछो तो कितने की। अब गाइस ये बकेट लेने जाओ शुरू के लिए, नहीं टोकरी लिए ठीक है। हाँ देखो कहाँ है इडली, क्योंकि सोया इसमें सो ही नहीं रहा है ये। मम्मा इसको सुलाओ, इसमें रखो तो दो। इसने कुछ किया है नहीं, प्यास लग चुकी इसको। ऐसे गाइस मेरे को फ्रेम्स पसंद आई थी काफी सारी, इधर है अंकल की शॉप में, बहुत सुनो बैठ ही नहीं रहा ना इसमें, मूड की आदत है। हाँ अभी दीदी जा रही है गोवा। यस गाइस मैं गोवा जा रही हूँ, अंकल ने बोला कि फ्री में ले लो ये सब कुछ और गोवा जाए, और पानी की बॉटल भी दे दी अंकल ने साथ में मुझे। अरे भाई ये थोड़ा सा मेरे को पानी में कुछ गड़बड़ लग रहा है गाइस, क्योंकि छोटी बॉटल है समझ रहे हो, देख रहे हो ना। ले लिया था और हमारे को लिफ्ट मिल गई थी, मतलब मेरी फ्रेंड के पापा थे उन्होंने हमने लिफ्ट दे दी। हाँ मतलब वो मेरे पापा के भी क्लासमेट थे और जो उनकी बेटी है हम दोनों भी क्लासमेट्स हैं, यू नो क्लासमेट वाला रिश्ता है। मतलब अगर मीनाक्षी मेरे ब्लॉग को देख रही है तो हाँ मीनाक्षी वो क्लासमेट तुम ही हो जिनके पापा ने हमें लिफ्ट दी, थैंक यू। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पे आराम करने के लिए और शीरू को दिखाती हूँ मैं आपको, देख ही सकते हो शीरी बेचारा नशे में, ये इसको दवाई की बच्चा दवाई की वजह से इसको नशा हुआ पड़ा है। पास में ऐसे छाँव भी नहीं बैठने के लिए कि हम छाँव में ही बैठे, धूप में ही बैठना पड़ रहा है। भगवान भगवान है कहाँ रे। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अब मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप ये देख ही सकते हो मैंने शॉप में एक फ्रेम खरीदी घर के लिए, क्योंकि हमारा घर बहुत सुना सुना है, तो मैंने सोचा कि कुछ बजट करके अपने घर के लिए कुछ लिया जाए कुछ अच्छा। तो मैंने ना मतलब एक वीडियो में देखा था कि उसमें बता रहे थे कि जो मैं फ्रेम लेके आई हूँ वो घर के लिए अच्छा होता है, और मम्मा भी साथ में ही थे तो मम्मा ने बोला हाँ ये अच्छा है मस्त है ले ले। तो गाइस मैंने ये अभी मैं इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रही हूँ जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो मैं इसको खोल के बताती हूँ आपको। पहले खोलने के लिए इसमें वेद पढ़ने पड़ते गाइस, वेद पढ़े बिना आप इसको खोल नहीं सकते हो। ओम गाइस वेद पढ़े जा रहे हैं। दो तरीके की थी ऐसी, पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है आप इसको देख सकते हो, मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मम्मा को भी, तो मम्मा ने बोला ले ले आप इसके लिए। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी, ये वाली बहुत अच्छी लगी मुझे, दोनों से ज्यादा अच्छी लगी मेरे को ये वाली। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हम इसको कहाँ लगाएंगे, मतलब लगी नहीं दिखेगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको लगा के बताऊंगी, क्योंकि अभी सौ चौंचले होने वाले हैं, यानी 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 ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो जाएगी घर पे। तो जब ये लग जाएगी ना गाइस तभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ लग गया और ये कितनी सुंदर है। और स्टार्ट बोल दियो, स्टार्ट हथौड़ा लेके सिर काटने के लिए तैयार है। तो गाइस मैंने यहाँ पे लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हाइट से थोड़ा ऊपर है, ये मैंने लगाई है, देवाश ने लगाई है अगर मैं बताऊँ। देवाश कैमरे के पीछे जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। यहाँ से हमने टीवी पापा जी के लिए दे दिया है कि आप अंदर बैठ के उनका कमरा आए। कमरा मत दिखा, कमरा मत दिखा, ये मैं आपको कमरा तभी बताऊंगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। पता इसमें कितना सा रखा जाना है तुम्हें, या बता ताला तभी तो लगाओ इसमें मजा के। अच्छा
तो मेरे को बताना कि ये किस किस के घर में ऐसा कुछ है, और मेरे को तो पर्सनली बहुत सुंदर लगी, ब्लू एंड व्हाइट कलर, आई लव इट। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मुझे देखते रहिए, सब्सक्राइब चैनल, बाय। तो ये सिर्फ मजाक था, तो अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। If you are new in my channel, so must subscribe my channel and also like, comment and share, guys. ऐसी interesting video देखने के लिए. ऐसी interesting video के देख. यार. ये करो. देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, आपने मेरी बहुत इज्जत रखी है.